हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ गाइस कि लास्ट डे के लिए आपकी ज्योग्राफी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप लोग कैसे ज्योग्राफी की पढ़ाई करेंगे तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैंने कल एसएसटी के स्ट्रैटेजी वीडियो को अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने कलेक्टिवली सारी चीज़ों की बात की थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हिस्ट्री सिलेक्शन ज्योग्राफी का सेपरेट वीडियो बना दो, तो आज मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम लोग इसमें ज्योग्राफी की बात करेंगे, आगे आगे वीडियोस में हम लोग हिस्ट्री एंड सिविक्स की बात कर लेंगे। आप लोग उन सारे वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, आज हम लोग ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम लोग ज्योग्राफी की बात करें स्टूडेंट्स, तो ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। एंड ये इसमें आपको जितने भी चैप्टर्स दिए गए ना, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, ईजी चैप्टर्स है। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे उन्हें, तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं अपने एसएसटी के एग्जामिनेशन में। अब देखिए, इसमें आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे बुक में तो 7 चैप्टर्स दिए गए हैं, 5 कैसे पढ़ने हैं? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के, तो 2 जो चैप्टर वहां पे दिए गए हैं, दैट इज मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये दोनों चैप्टर्स जो है वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट या फिर इंटरनल असेसमेंट के लिए ही थे। ओके, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बाकी 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, नाम रिपीट करता हूँ। पहला, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड लास्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये 5 चैप्टर्स आप लोगों को क्लास 8 डीएवी बुक से पढ़ने हैं। अब गाइस, आपको कैसे पढ़ना है, तो देखिए, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। आपको बस टर्म्स को समझना होगा कि जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस किस बेसिस पर जो रिसोर्सेज उन्हें क्लासीफाई किया गया है। ओके, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किस बेसिस पर किया जाता है, किन किन चीज़ों को देखा जाता है किसी भी जगह पर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने से पहले। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन बन के आता है, that is sustainable development and conservation। इस टॉपिक से आप लोगों को भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, पिछले 5-6 सालों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कलेक्टिवली हमें बोलते रिपीटेड मैनर में ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिया जा रहा है, एंड इसके आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक को। ओके, अब यदि लोग नेक्स्ट बात करें कि आपको चैप्टर पढ़ना कैसे है, देखिए स्टूडेंट, चैप्टर पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बेसिकली बात ये होती है बड़ी कि आप लोग चैप्टर को कितना अच्छा पढ़े हैं एंड कितना अच्छा समझे हैं। क्योंकि एसएसटी देखिए रटने वाली चीज़ नहीं होती कि हाँ मैंने रट लिया हो गया एसएसटी, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने पड़ेंगे, आपने बहुत लेंदी लेंदी आंसर याद कर लिए होंगे, आपको थोड़ा शॉर्ट करके उसे लिखना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग चैप्टर को अच्छे तरीके से समझे, एंड ज्योग्राफी समझने वाला चीज़ ही है। सबसे पहले क्या दिया गया, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले तो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टॉपिक की बात करें, चैप्टर की बात करें, तो ये चैप्टर ओवरऑल बहुत ज़्यादा ईजी है, एंड जब इसकी रीडिंग करने जाएंगे तो आपको अधिक से अधिक 30 मिनट लगेंगे, एंड जो थोड़ा फास्ट रीडिंग करेंगे उसे 25 मिनट लगेंगे। ओके, तो मान लीजिए हम लोग उन्हीं स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो स्लो रीडिंग करेंगे, तो मान लीजिए आपको इस चैप्टर को रीड करने में लग गया 30 मिनट। ओके, अब 30 मिनट के बाद आपको क्या करना है, इसके पीछे जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लोगों को कितने देर में करना है, वो आप लोगों को 15 मिनट में करना है। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दिए हैं, एंड मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि मैंने साइंस से, मैथ से, इंग्लिश से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बेसिकली वहीं से दिए जाते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को वैसे ही क्वेश्चन टिक करवाता हूँ जो कि या तो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं एंड या तो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, मैं बहुत देर तक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करता हूं, उसके बाद ही मैं आपको कोई क्वेश्चन टिक करवाता हूं। तो ये जरूरी है कि आप लोग अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ें, जो मैंने इंटरेस्ट क्वेश्चन दिए हैं इस चैप्टर से पहले आप लोग उसे भी कर लीजिएगा। ओके, तो मान लीजिए 30 मिनट आपने चैप्टर को रीड करने में दिया, 15 मिनट आप लोगों ने इसके सारे क्वेश्चंस को कर लिए, उसके बाद जो बचे 15 मिनट्स उसमें आप लोगों ने मेरे द्वारा दिए गए इंटेक्स क्वेश्चंस को कर लिया। इंटेक्स क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोग उस इंटेक्स क्वेश्चन वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पे या तो आ चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन भी आ सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर हो गया स्टूडेंट्स रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ईजी चैप्टर था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर दिया गया नेचुरल
रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर। तो इसमें बेसिकली आपको लैंड रिसोर्सेज के बारे में, फिर सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी हो जाता है, ओके। इस चैप्टर के लिए आपको वही स्ट्रेटेजी अपनानी है, बट इस चैप्टर की रीडिंग के लिए आपको लगभग लगभग 45 मिनट देना है। उससे समझ दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि रीडिंग रेट बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तो आपका मार्क्स में फिर दिक्कत आएगा। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से रीडिंग करेंगे, पढ़ने का समय, याद करने का समय नहीं मिल पाएगा। तो रीडिंग करना है, जिस टॉपिक पे आपको डाउट रहेगा स्टूडेंट्स, उसका आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, ओके। मैंने हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिए हैं SST के, तो आप लोग जाकर के इजिली देख सकते हैं, ओके। तो मान लीजिए आपने इस चैप्टर का रीडिंग कर लिया 45 मिनट में, ओके। उसके बाद जो 15 मिनट बच गए घंटे में, उसमें आपको क्या करना है, इस चैप्टर में दिए गए सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को कर लेना है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दिए हैं, ओके। ज्योग्राफी का एक पार्ट में, हिस्ट्री का एक पार्ट में, सिविक्स का एक पार्ट में। तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप लोगों ने वीडियो को मिस किया तो मिस मत कीजिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिकली मैंने जो टिक करवाए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन में या तो आ चुके हैं या तो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ओके। तो ये जो चैप्टर स्टूडेंट्स है, आप लोगों को इसे 45 मिनट रीडिंग में देना, 15 मिनट आप लोगों को इसको पूरी तरह से क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में दिए गए हैं उसे कर देना है। एंड उसके बाद आपको और 15 से 20 मिनट देना है, ओके। मान लीजिए आधा घंटा आप लोगों ने दे दिया, इसके आप लोगों को इंडेक्स क्वेश्चंस कर लेने हैं, वो भी जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को DAV क्लास टेस्ट स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको वैसे ही वीडियोज मिलेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस सैम्पल पेपर, उसके साथ साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एंड नोट्स एंड और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। एंड जैसे ही मैं इसका भी इंटरेस्ट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, आपको क्या वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तब लोग जाकर के स्पेशल प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ, ओके। तो मेरा चैप्टर नंबर 2 भी कम्प्लीटली हो गया, अब हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कम्प्लीट हो गया स्टूडेंट्स। हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखिए तीन चैप्टर जो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है। पहले चैप्टर में रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया था, दूसरे चैप्टर में आप लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया था, लैंड, सोयल, वाटर के बारे में, एंड तीसरे चैप्टर में वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया, ओके। अब देखिए ये जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट चैप्टर के जैसे ही ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें आप लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट को किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है, एंड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरियन फॉरेस्ट, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन के आते हैं, ओके। एंड इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। उसके बाद आपको ये आ सकता है कि हाउ वी कैन सेव वाइल्ड लाइफ, ओके, व्हाट इज नेशनल पार्क, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मैंने आपको इंटरेस्ट क्वेश्चंस वाले वीडियो में भी बहुत सारी बातें बताई है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में भी मैं ये सारी बातें रिपीट कर चुका हूँ, ओके। तो आप लोग जरूर जरूर उन सारे वीडियोज को देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा लेंथी है नहीं। 30 मिनट आपने इसका रीडिंग कर लिया, उसके 15 मिनट में आप लोगों ने इसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कर लिया, एंड 15 मिनट में आप लोगों ने इसके सारे इंटरेस्ट क्वेश्चंस को कर लिया। सारे चैप्टर्स के इंटरेस्ट क्वेश्चन आ ही रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा, आप लोगों ने भी जरूर जरूर देख लीजिएगा। 4th चैप्टर रिलेटेड है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब देखिए एग्रीकल्चर चैप्टर जो है थोड़ा लेंथी चैप्टर हो जाता है, ओके। ये चैप्टर बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप इस चैप्टर को समझेंगे नहीं ना, आपका मार्क्स नहीं एनहांस होगा इस चैप्टर के लिए। क्योंकि देखिए यदि हम लोग पेज नंबर 63 के आगे की बात करें, तो पेज नंबर 63 के आगे की सारी चीज़ें इजी है इस चैप्टर से, बट उससे पहले जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये सब दिया गया है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो ये जरूरी होता है कि आप लोग पहले इन सारे टॉपिक्स को क्लियर रखें। तो पहले इन सारे टॉपिक्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, चैप्टर थोड़ा लेंथी है इसलिए चैप्टर के रीडिंग में आप लोगों को 50 मिनट देना होगा, ओके। क्योंकि क्रॉप्स के बारे में बताया गया है उसके बाद, तो आप लोगों को इस चैप्टर के रीडिंग में 50 मिनट देना होगा। एंड मैप का भी वीडियो आ जाएगा, ओके, आप लोग मैप की वीडियो को भी जरूर जरूर देख लीजिएगा, आ जाने वाला है, ओके। तो नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए आप लोगों ने इस चैप्टर के रीडिंग में 50 मिनट दे दिया, उसके बाद आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चंस को लगभग 20 मिनट में कर लेना है, तो 1 घंटा 10 मिनट, फिर 20 मिनट आप लोगों को इसके सारे इंटरेस्ट क्वेश्चंस कर लेने जो आने वाले हैं, ओके। अब देखिए चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 6 की बात करें स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, तो चैप्टर नंबर 7 जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर है, ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इससे भी आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी चैप्टर थोड़ा उतना लेंथी है नहीं, इजी चैप्टर है, लेंथी है बट इजी चैप्टर से समझने वाला चैप्टर है।
ओके। तो इसके ट्रेनिंग में आपको 40 मिनट देना है, 15 मिनट इसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को कर लेना है, 15 मिनट में आप लोगों को क्या करना है, इसके सारे इंटेक्स क्वेश्चंस जो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ उन सारों को आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा कितना घंटा लगेगा, मैंने काउंट नहीं किया है, ओके आप लोग काउंट कर लीजिएगा। लगभग मुझे लगता है कि 7 घंटे या 6 घंटे में आपका जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। यदि आप इतना टाइम देते हैं प्रत्येक चैप्टर को, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग अच्छे से ज्योग्राफी में जितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उतना आप कर पाएंगे, क्योंकि आप चैप्टर के थ्रू भी जा रहे हैं, आप लोग इंटेक्स क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो भी कर लेंगे, और मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके बुक्स में इंपॉर्टेंट है, तो आप इतना करके जाएंगे तो इसके अलावा क्या चाहिए आपको, इसके अलावा क्या ही आएगा एग्जामिनेशन में, इतना ही अंदर से आएगा, ओके इससे ज्यादा एसएससी में ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, ओके इतने ही के अंदर से आएगा। तो जरूरी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर ले, ओके बिल्कुल टाइम वेस्ट को नहीं कीजिएगा, बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा स्टूडेंट्स, ओके। इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का स्टडी जो कंप्लीट हुआ, आगे के वीडियोज में हम लोग हिस्ट्री एंड सीरीज को भी देख लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग इन वीडियोज को भी जरूर जरूर देख लीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।